तो 3.25 करोड़ जो झारखंड की जनता है भाई साहब, वो मणिपुर की चिंता करने के लिए आपको थोड़ी जिता कर बैठी थी। आज जो विपक्ष है अपने सत्ता लोलुपता के कारण आज पूरे भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंचा रहा है और उसका एक बानगी हम लोगों ने झारखंड में भी देखा है। अपना घर संभालिए ना भाई साहब, 3.25 करोड़ जनता यहाँ पर आपको झारखंड संभालने के लिए दिया है। सुभाष मुंडा की हत्या हुए 72 घंटा से ज़्यादा बीत गया है, उसको तो पकड़ने में अपना काम मरे हैं, लेकिन झारखंड में आप क्या कर रहे हैं? सुभाष मुंडा के बगल में हत्या हो जा रहा है, रूपा तिर्की का हत्या हो जा रहा है, वो बोटी बोटी रूबिका पहाड़िया को भेज दिया, संध्या टोपनो को वो तस्करों ने जिंदा जो है दबा दिया, मणिपुर डेलीगेशन आप लोग भेज रहे हैं उसका बात कर रहे हैं, सरिया जाकर क्यों नहीं उस दलित महिला का आपने चिंता? मणिपुर का चिंता इतना ही लग रहा था, सब बोलिए अभी तक जाके वहाँ रही है, देखिए तो कितना वहाँ की जनता उसको पसंद। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष डिक्टेट करना चाहती है, उसको विपक्ष कहती है, चर्चा से बचना चाहती है सरकार, दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं चर्चा को लेकर। लेकिन एक चर्चा आज रविन्द्रनाथ महतो स्पीकर ने बतौर किया कि भाई बीजेपी में कौन है नेता ये तो तय हो जाए। भानु जी का कोई नाम नहीं लिया, जेपी पटेल स्पीकर के भी चॉइस में, आपका कोई नाम लिया कि नहीं लिया कि आप भी दुखी मन से? नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है और हम लोग आवाज़ विधायक के रूप में भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। इसलिए ये सब पार्टी का एक प्रक्रिया है, पार्टी एक देख रही है जिस तरह से अन्याय किया है आदिवासियों के हितैषी कहलाने वाली सरकार, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी जो एक जनजातीय समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता है और मुझे लगता है गुरु जी के बाद बाबूलाल जी एक बड़े पूरे देश के एक बड़े जनजातीय नेता है, उनका जिस तरह से सम्मान किया है और संविधान को जिस तरह से आड़े हाथे लेकर के उसको आड़ में लेकर के जिस तरह से उनको नहीं प्रतिपक्ष का नेता बनाया है और उनसे जो डरा हुआ है सरकार है, इसके पास इन सब बातों में कुछ कहना शोभा नहीं देता है, उनको लज्जा का विषय है। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहा है जब 60,000 लोग टेंट में रहने को मजबूर हों, 84 और 74 दिनों से जहां कर्फ्यू हो, जहां आदमी की अति कर रहा हो, पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हो, 30 लाख की आबादी में 1.5 लाख फोर्स लगाया, बोला उस पर भी तो चर्चा हो जाना चाहिए भाई। निश्चित रूप से चर्चा होना चाहिए, वो चर्चा तो, लेकिन झारखंड तो उसका जुडिशरी में नहीं आता है, संवैधानिक क्षेत्र में, उसको तो लोकसभा राज्यसभा में, इन सारे लोगों को लोकसभा राज्यसभा चला जाना चाहिए पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा में और राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री कई बार लिखित रूप से कहा है कि भाई चर्चा करिए, वहाँ तो चर्चा कर सक नहीं रहे। अब आपको लगता है कि आपके राहुल गांधी, सोनिया माता और खड़गे जी वहाँ शक नहीं रहे तो झारखंड में सरकार है तो हम शकने के लिए आए? तो 3.25 करोड़ जो झारखंड की जनता है भाई साहब, वो मणिपुर की चिंता करने के लिए आपको थोड़ी जिता कर बैठी थी, वो तो 3.25 करोड़ झारखंड की जनता ने झारखंड की चिंता करने के लिए किया था। लेकिन झारखंड में आप क्या कर रहे हैं? सुभाष मुंडा के बगल में हत्या हो जा रहा है, रूपा तिर्की का हत्या हो जा रहा है, वो बोटी बोटी रूबिका पहाड़िया को भेज दिया, संध्या टोपनो को वो तस्करों ने जिंदा जो है दबा दिया, कुचल दिया, 7 गोलकेरा में है जो आदिवासियों को गला काट कर हत्या कर दी गई, कई एक दुष्कर्म की घटनाएं, निर्वस्त्र कर दी गई दलित महिला सरिया में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मणिपुर डेलीगेशन आप लोग भेज रहे हैं उसका बात कर रहे हैं, सरिया जाकर क्यों नहीं उस दलित महिला का आपने चिंता किया? एक बच्ची, दलित बच्ची, वो आज देखे होंगे संजय बिहारी स्कूल यहाँ धनबाद में बिंदी लगा के गई थी, इतना प्रताड़ित किया, इतना उनका आत्मसम्मान को चोट पहुँचा कि वो आत्महत्या कर ली। कोई सरकार ने एक शब्द भी कहा है क्या? सरकार के लोगों ने एक शब्द कहा है क्या? अब कहाँ पे मणिपुर का चिंता इतना ही लग रहा था, सब बोलिए अभी तक जाके वहाँ रही है, देखिए कितना वहाँ की जनता उसको पसंद करती है। वहाँ की जनता ने एक लोकतांत्रिक सरकार चुना, वहाँ चिंता करने के लिए विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, आपकी पार्टी भी वहाँ पर है, आप लड़िए ना वहाँ पर। लेकिन मुद्दा जो है ना कहीं पूरी तरह से चर्च का है, और जिस तरह से बाहरी लोग उसमें लगे हुए हैं, जिस तरह से वहाँ पे चाइना का जिस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें भारत की सरकार देख रही है। विपक्ष का तो भूमिका होना चाहिए, जहाँ भारत की संप्रभुता का सवाल आए वहाँ सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको राजनीतिकरण करते हुए विरोधियों को और वैसे षड्यंत्रकारियों को मौका देना चाहिए जिससे कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पे खतरा उत्पन्न हो सके। आज जो विपक्ष है अपने सत्ता लोलुपता के कारण आज पूरे भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंचा रहा है और उसका एक बानगी हम लोगों ने झारखंड में भी देखा है। अपना घर संभालिए ना भाई साहब, 3.25 करोड़ जनता यहाँ पर आपको झारखंड संभालने के लिए दिया है। सुभाष मुंडा की हत्या हुए 72 घंटा से ज़्यादा बीत गया है, उसको तो पकड़ने में अपना काम मरे हैं।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.